सभी दोस्तों को नमस्कार, जन्मदिन वालों को हैप्पी बर्थडे की शुभकामनाएं। सूरज देवता निकल आए जी, अगले दिन की सुबह ट्राइसेप का वर्कआउट लगाया हमने। आज मिस्टर प्रिंस बिश्नोई आए नहीं तो हम अकेले करके आए मोहन प्यारे के साथ। बाकी अब चल रहे हैं घर की तरफ को। ये हमारी करंट लोकेशन। ये चुक रहे हैं जी विदेशी मेहमान, बड़ी लंबी लंबी चोंच है इनकी। तो ये बाहर के पक्षी हैं, प्रवासी पक्षी। तो जी जिम से आने के बाद नहानू का नाश्ता वास्ता कर लिया, बाकी वो टायर फिर एक्सचेंज कर दिया आपका मोबाइल ससुराल से, अपने साले साहब की गाड़ी का स्टेपनी। अभी तसल्ली से रहेगी पड़ी हुई, उन्हें भी जरूरत पड़ेगी साहब स्टेपनी। अब कल पड़ जाते टायर तो पड़ ही जाते, तीन कढ़िया मिली है वो कल मैं दिखाई है ब्लॉग में। अब जो तसली से मंगवाऊंगे कहीं से जुगाड़ करके, दिल्ली विल्ली जाऊँ या जैसे भी करूँगा। अब हमें चलना जरा कपड़े चेंज कर लें, हमें चलना जरा कांट तक तहसील। तो जी हो गए रेडी, अब चलते हैं ज़रा ताऊ की स्कूटी चलेंगे। हमारी मोटरसाइकिल तो कांट जाने लग नहीं हो रही, पर चला इतने मोटरसाइकिल ना जितना चलान कटवा लाए। इस स्टेपनी को पहुँचाएंगे उनकी आग है। चल तू यहाँ खड़ी हो जा। तो जी स्कूटी चलाऊंगा मैं तो ब्लॉग तो ही जाकर बनाऊंगा जाकर। तो जी पहुंच गए तहसील, अब देखते हैं यहाँ की कार्रवाई। तो जी यहाँ का काम तो आज का संपन्न हुआ, अब कल को देखते हैं। अब चलते हैं घर की तरफ को। तो जी बज रहे हैं 12:30 तहसील से आने के बाद। अब अपन चल रहे हैं अपनी फॉक्स वैगन लेके चारा देना। भूख इतनी तेज पड़ रही है दिन में अब, और रात को ठंड होने लगी। अब ये दिक्कत रहेगा मामला। गोले रख लाए जी गाड़ी पे, चाचा ने चट्टे ऐसे लगवाए जैसे कि पंगत बैठी हो। चले अब जी जरा टायर पहुंचा के आऊं उनका। ये इधर होगा जी उस्ताद, आज टाइम रखवाओ जरा गाड़ी में। अरे सो रहे हो? ताऊ राम राम, ठीक हो? बस बढ़िया, हम भी। हाँ जी दरोगा जी, क्या हाल है, क्या देख रहे हो? भी दिखाइए जरा, क्या देख रहे हो? फुटी सी चीज तो देख रहे हैं पबजी। अरे तुम भी कोई पाकिस्तान से तो खेले की आप पाकिस्तानी? अच्छा जी, बट कुछ मंजू आ गई, ताऊ भी पूरी खबर रखे बैठे हैं मंजू की। अरे बताओ मंजू थोड़ी, वो तो सीमा है तेरी। हाँ अच्छा अच्छा, लौट आई वो? अच्छा जी, तुम्हें कौन खबरी खबर दे रहा ताऊ? मोबाइल? अरे तुमने भी स्मार्टफोन चला रहे हो तुम भी? अरे स्मार्ट जानते ना हम पे भैया, वो समाचारों में आ जा। अरे सही रख दीजिए भैया सही सलामत। क्या जी मेरा यार कौन? मुझे तो मेरे यार का पता ही ना यार है कौन मेरा, और कौन कौन है पता ना यार। कौन वाला क्या नाम है यार, नाम याद ना आ रहा गुड्डू का, क्या नाम उसका? अच्छा हरवीर सिंह। अच्छा अच्छा, वो यार हो गए हमारे। अरे वो तो सबके यार है, मस्त मोला आदमी है वो, हसमुख। वो तुम्हारी भी यार है? नहीं
वो तो कह रहे हैं हमसे तो बात ना करते हम। अच्छा जी तो चलो तो उन्हें कहूंगा क्या बात करके आओ जी। साल छह महीने में कभी हो ही चलते भले आवाज दे दी हमने तो चर्चा करते रहे करो भले आदमी हो। नहीं मैं नाराज क्यों ना कह रहा हूँ चर्चा करते रहे करो। हाँ चर्चा क्या भैया मामला ऐसा ही गड़बड़ा है। गड़बड़ा है मामला। क्या क्या गड़बड़ हो गई यार गड़बड़ क्या क्या बताऊँ तुझे बात। अरे बताओ मुझे बताओ दुनिया को बताओ मैं वीडियो बनाऊं तुम्हारी। मेरी वीडियो बना और मेरी वीडियो बना। हाँ जब मैं पहुंचता हूँ। कहाँ पहुंचते हो तुम्हारे पासवर्ड के बाद सुनने सुनाने कुछ कहने सुनने। अच्छा तो घर वाले कहते हैं जब हम हो गए तो हमारे घर में आ गए। अच्छा हाँ तो ये बात हमारे पल्ले तो पड़ी ना। बात नहीं आई पर हो जाएगा जिसके पल्ले पड़ेगी पड़ जाएगी। तुम्हारे पल्ले भी पड़ने के मतलब जैसे राजू जो खड़े हों तुम्हारे घर से तो ये क्या करें जब हम हो गए तुम मना करो। अच्छी हाँ ऐसा तो कहाँ ऐसा कहते कहता बैठने को भी नहीं कह रहे हो तुम यार कहते ही घंटा बैठ जाओ जो पिछवाड़े हटा आ ही नहीं रहे तुम इधर उधर को। बहुत जो है खाली पड़ी है। बोतल कहाँ गई भरी हुई ना मुंबई तुमने कहाँ है निकालो फिर बैग बना कर दूँ तुम्हारा है और इस्तेमाल कौन करेगा मैं भी हूँ मैं तो पीता ही ना निकालो ना निकालू चलो ना निकाल दे फिर। तो हिटलर की जी एक छोड़ो दो दो दिखाई दे रही है हिटलर को आज डबल डेट पे एक हरवीर सिंह की एक ये लोकेश तिलकधारी की है। तो जी ले चल रहे हैं ऐसे खेत पे अपने घुमा कला में लेटे का भी हाल चाल देख के हमें कभी लील गायों ने रगड़ दिया हो तीन चार दिन जाना पाया हूँ। तो जी यह है लेटे का आलम इधर को तो बीच में को तो फूल भी आ लगा है और साइड को लीगा चुग लिया है अब पता ना छोड़ नहीं है छोड़ नहीं बड़े चक्कर में है मामला। इधर लेटे को रखाओ उधर बरसीन रखाओ अब गेहूँ रखाओ क्या क्या रखाओ। तो जी चल रहे हैं घर की तरफ को देखो चीज़ इस्तेमाल होती रहवा है तो सही रहवा है अभी रास्ता जितना इस्तेमाल हो रहा है उतना साफ है और इधर को देखो कितना अड़ाया खड़ा है ये सब रास्ते में। चल बैठ ले चल किसी भी चीज़ को खड़ी कर दो तो बेकार हो जाए वो खड़ी खड़ी भी कार हो मोटरसाइकिल हो इंसान हो हाथ पैर हो कुछ भी हो। तो जी पीछे देखो लोकेशन बिल्कुल DDLJ वाली है लेटे का खेत बिल्कुल फूलों के साथ। बाकी इसी सीन के साथ आज का ब्लॉग समाप्त करते हैं यहीं पे। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।